असलम एंड ए वेरी वॉम वेलकम टू डॉ नौशिबा सलमान स्किन सोलूशनस होपफुली आप लोग सर्दियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं और ख़ैर खैरियत से हैं और अपने लिए भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और बाकी सब के लिए भी अच्छा कर रहे हैं आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अन ईवन स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन होती जा रही है अन ईवन टोन का मतलब ये है कि एक ही स्किन पे एक ही चेहरे पे आपको जैसे गर्दन का रंग फर्क नज़र आ रहा हो फिर आपको ये वाला जो आपका एरिया है अराउंड दी माउथ वो आपको डिफरेंट तरह का कलर नज़र आ रहा हो डार्क सर्कल्स आलहदा बने हुए हैं यहाँ साइड्स के ऊपर या माथे पे आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रही है या नेक का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है मतलब अन टोन जो है जिसमें आपकी जो है वो हैप हेजट पिगमेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है हम आ जाते हैं कि कॉमन क्यों होती जा रही है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर तो सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन को ना इस्तेमाल करना है हम बहुत ज्यादा कहते हैं सब सब हम टीवी के ऊपर और इधर उधर आपको बता रहे होते हैं कि सन प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें वो आपकी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देगी और आपकी स्किन का जो कलर है उसको इवन भी रखेगी और अच्छी टोन में भी रखेगी बिलीव मी आप रात को जो मर्जी लगा के सो जाएं लेकिन अगर आप सारा दिन जो है वो अपनी स्किन के ऊपर इंसल्ट होने देते हैं सन एक्सपोजर की जो इंसल्ट है सन की जो इंसल्ट है सन रेज से जितना नुकसान हो सकता है वो होने देते हैं तो आप अच्छे नहीं रह सकते प्लस आप क्यों जल्दी बूढ़े होना चाहते हैं बाहर की तरफ से देखिए इंटरनली तो हम आपकी एज को नहीं रोक सकते ना एज तो बढ़ ही रही है लेकिन एज जो है उसको हम रोक सकते हैं मेरा मेरी एडवाइस जो है वो यही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सन प्रोटेक्शन को अपनी आदत बनाएं उसको नहीं छोड़ना आपने डोंट स्किप इट और दूसरी बात यह कि जिस तरह का आपका काम है और जिस तरह का आपका एक्सपोजर है उसके हिसाब से आपका सन ब्लॉक का एसपीएफ होना चाहिए यूवीए यूवीबी दोनों उसके अंदर कवर होना चाहिए या आपको

इतने, इतने घंटों या इन इतने घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकता अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल कि इस किस्म की अन टोन और जो डल आपकी जो स्किन है या आपकी एक ही स्किन के ऊपर एक ही फेस के ऊपर आपको डिफरेंट तरह तरह के शेड्स और कलर्स नजर आ रहे हैं उसके लिए हमने क्या करना है जो वाइटनिंग पील है वो बहुत अच्छी होती है फॉर द फेयरनेस फेयरनेस मतलब हम चाहते हैं कि हमारा कलर जो है हमारी स्किन का टोन जो है वो बहुत अच्छा और फेयर टोन हो उसके लिए जो वाइटनिंग पील है वो बहुत अच्छी होती है ये क्या करती है ये आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में जाके इसने स्किन को उतारना नहीं है इट डजेंट पील ऑफ योर स्किन एट ऑल क्योंकि ये पील ऑफ करने के लिए है ही नहीं है बट ये डीप लेयर में जाएगी और डीप लेयर में जाके आपके पिगमेंट को करेक्ट करेगी ठीक है इसलिए इसको पील बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन को उतारेगी और वो आपके गंदे वाले डेज होंगे और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो ठीक होगी थोड़ी सी ड्राई ज़रूर आपको फ़ील हो सकती है वाइटनिंग पील के बाद स्किन फॉर अबाउट टू टू थ्री डेज लेकिन जो हमने आपको लगाने के लिए सूदिंग क्रीम या कोई भी चीज़ दी हुई होती है पोस्ट प्रोसीजर ये उसी से ठीक हो जाती है उसके अलावा आपको फ़र्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है अगर तो आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा करेक्शन की या ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर हम इसके सेशंस देते हैं इसके सेशंस वीकली भी हो दिए जा सकते हैं दस दिन के वक्फ़े से भी दिए जा सकते हैं और पंद्रह दिन के वक्फ़े से भी दिए जाते हैं बट वो डिपेंड करता है हर स्किन इंडिविजुअल होती है हम उसको चेक किए बगैर इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं बता सकते कि आपने कितनी दफ़ा रिपीट कराना है और कितने गैप से रिपीट करवाना है ठीक हो गया कोई भी इसको करवा सकता है मेल फीमेल यंग एज में ओल्ड एज में कोई भी इसको करवा सकता है अगर स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है या जो इशू है वो अन टोन का है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मलाजमा मैं छाइयों की बात नहीं कर रही हूँ मैं फ्रैकल्स की बात नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अन टोन कि एक स्किन का टोन जो है वो मुख्तफ रंगों का हुआ हुआ है उसको सही करने के लिए जो वाइटनिंग पील है वो बहुत अच्छी चीज़ है वाइटनिंग पील आप अपने किसी फंक्शन किसी सेरेमनी या किसी UK, से पहले भी ले सकते हैं बिकॉज यूजली ये आपका कोई डाउन टाइम नहीं होता इसमें स्किन जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है और एकदम से उसके ऊपर जो है वो आपको करेक्शन नजर आएगी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा कि हाँ अगर जो, अगर मेरी स्किन जो है वो आउट ऑफ टेन जो है वो नाइन परसेंट खराब थी तो आपको विद इन वन सेशन लगेगा कि ये फिफ्टी परसेंट इम्प्रूव कर गई है राइट right? अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा एसेट है ये आपकी आपकी नेमत एक नेमत है जो अल्लाह मियाँ ने आपको दी हुई है इसको आप प्रोटेक्टेड रखें और इसका ख्याल रखें ताकि ये आपके साथ इसी तरह से चलती रहे